नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी। मेरा नाम शिफा शिवांगी है। मेरे पापा जिनका नाम संतोष कुमार है, उनकी उम्र 64 ईयर्स है और उनको हमने 21 अप्रैल को वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, तो हमने उन्हें LLRM मेरठ मेडिकल कॉलेज में उन्हें हमने एडमिट कराया 11:36 पे। उसके बाद हमें उनके अपडेट मिलते रहे, अपडेट मिलते मिलते अभी 3 मई तक हमें उनका अपडेट मिला। फिर 3 मई की सुबह हमें उनका आखिरी अपडेट मिला कि उनका ऑक्सीजन लेवल 77% है और ऑक्सीजन लगी हुई है। उसके बाद शाम को जब हमने अपडेट लेने के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि अभी उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है और हम आप हमें बाद में कॉल करिएगा। उसके बाद से हम उनका अपडेट लेने के लिए उन्हें कॉल करते रहे, बट उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, बोले पेशेंट का पता नहीं चल रहा है। आज जब 7 मई को हम लोग गए उनके बारे में पता करने तो बोले इस पेशेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, आप देख लीजिए। सारा हमें वार्ड घुमाया, कोविड वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, पूरा हॉस्पिटल हमें घुमाया कि आप देख लीजिए, एक एक रूम चेक करवाया कि ये देखिए पेशेंट, आपका पेशेंट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद बोले अब हमें इनकी कोई जानकारी नहीं है। CCTV फुटेज मांगा तो वो अभी तक हमें उन्होंने नहीं दिखाया है और बोले हो सकता है आपका पेशेंट यहाँ से, एक दो पेशेंट यहाँ से जा चुके हैं, वो दिमागी रूप से कमजोर थे तो वो यहाँ से चले गए थे, तो हो सकता है आपका पेशेंट भी ऐसे ही चला गया हो यहाँ से, और तो कुछ नहीं हो सकता। हमें हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा कोई पेशेंट ऐसे चला जाए। और अब आप बताइए, इतनी बेडों की किल्लत है, अगर एक पेशेंट ICU 2 में एडमिट है और वो वहां से चला जा रहा है, अगर वो अपनी मर्जी से चला गया, चुपके से उठ के चला गया, जैसे भी चला गया, तो क्या पता नहीं चलेगा कि एक पेशेंट चला गया, उन्हें पता ही नहीं, एक पूरा बेड खाली हुआ है, उन्हें नहीं पता, ये कैसी इनकी बातें हैं। तो कृपया करके, मैंने आज ADM सर को भी इस बात का संज्ञान दिया है तो अभी तक पर कुछ पापा के बारे में कुछ पता नहीं चला है, तो कृपया करके प्लीज़ मुझे मेरी मदद करिए और प्लीज़ मुझे मेरे पापा के बारे में बताइए। मेरी मम्मी भी कैंसर पेशेंट है, हम लोग बहुत मुसीबत में है इस टाइम, और कृपया करके हमारी मदद